सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में राप्ती तट पर परशुराम जयंती व अक्षय तृतीया के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण परिवार के लोगों के अलावा भारी संख्या में लोग शामिल हुए। धर्मरक्षा मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मण परिवार के लोगों द्वारा पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह को फरसा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र मीणा त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख, संघ के जिलाध्यक्ष लवकुश ओझा सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पिछले 6 साल से मनाया जा रहा है। यहाँ पर एक परशुराम वाटिका बनाई गई है जिसमें परशुराम जी की मूर्ति लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में मोदी जी व प्रदेश में योगी जी जो आज काम कर रहे हैं उसमें भगवान परशुराम जी की प्रेरणा शामिल है। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव दरियागंज में पिछले 6 साल से मनाया जा रहा है। यहाँ पे भगवान परशुराम के नाम पर एक वाटिका की घोषणा की गई है, मूर्ति स्थापना भी तय हुआ है और परशुराम वाटिका के छतरी के नीचे देश के उन महापुरुषों की प्रतिमाएं बैठाने का भी संकल्प है। भले ही समय जाते रहे, परशुराम जी के नाम पर जन्मोत्सव मनाने का मतलब होता है एक संकल्प। आज जो राम केवल यादव बिजवार बढ़े थे चर्चा का विषय बना है, उस समय का आतंक जो रहा होगा, लेकिन आज का आतंक जो दिख रहा है और जो आदरणीय मोदी जी और पूज्य योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो ये भगवान परशुराम की प्रेरणा भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। इसी देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।